बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की जान ये क्या कर रहे हो? लड़का वही जो शादी के बाद एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है। लड़की तो अभी क्यों? लड़का तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ जो शादी के बाद करते हैं? वो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा शोहर बनूँगा, इसलिए मेरा हक है शादी से पहले भी। लड़की ये अच्छी बात नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई ना। लड़का तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ। मगर तुम ठीक है, आज के बाद तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। लड़की जान सॉरी, मैं तुम्हारी हूँ, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, जो चाहे कर सकते हो, सॉरी। लड़का थैंक यू माई स्वीट वाइफ। 2 महीने के बाद लड़की जान मैं प्रेग्नेंट हूँ। लड़का क्या? लड़की प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लड़का पागल हो गई हो क्या? अभी नहीं कर सकता शादी, मैं अभी तक कोई काम नौकरी भी नहीं करता। एक काम करो, हम अस्पताल से तुम्हारा अबॉर्शन करवा देते हैं। लड़की एक माँ अपने ही बच्चे को नहीं मार सकती। लड़का ठीक है, तुम फैसला कर लो, तुमको ये किसी और का बच्चा चाहिए या मैं? लड़की क्या कहा? किसी और का बच्चा, बहुत अच्छा कहा, अभी बस यही सुनना बाकी रह गया था। लड़का हाँ सही कहा, और क्या? जो लड़की शादी से पहले ही मेरे साथ तल्लुकात यहाँ तक बढ़ा सकती है, तो क्या गारंटी है कि किसी और के साथ भी हो सकती हो? लड़की कुछ तो शर्म करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। लड़का सुनो, आज से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, किसी और के बच्चे को मेरा नाम दे रही हो, कितनी घटिया हो तुम। लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ठीक है, बहुत पछताओगे तुम। लड़की बहुत रोने लगती है और फिर माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं। वो अकेली इधर उधर घूमती रही, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन कार के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। मगर यहाँ पर उस बच्चे की क्या गलती थी जिसके दुनिया में आने से पहले ही उसकी आंख बुझा दी गई? गलती तो प्यार करने वाले करते हैं, मगर सजा किसी और को मिलती है। और एक बात लड़कों से कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, इन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। ये हम जैसे लड़कों पर इसलिए भरोसा नहीं करती कि हम बहुत क्यूट हैं, बल्कि इसलिए करती हैं कि वो समझती हैं कि हम भी उनसे सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लड़के सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने के लिए ही प्यार करते हैं। एक मर्द की मर्दानगी औरत की इज्जत लूटने से नहीं बढ़ती, बल्कि इज्जत करने से बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें सिर्फ़ उससे मोहब्बत अता फ़रमाए जिससे हमारा निकाह हो। आमीन सुमामीन।